स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा आज हम इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका मतलब एक जनरल हम आपको इसमें रेंज निकालने का तरीका बता रहे हैं, जो फंक्शन दे रखा उसको y के इक्वल कर दो। हर क्वेश्चन में आप ये करेंगे, जो फंक्शन है इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, y के। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। करना क्या होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। हमको क्या निकालना होगा, x की वैल्यू लेकिन y के टर्म में। बहुत सीधी सी बात समझो, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी इस इक्वेशन से, लेकिन किसके टर्म में, y के टर्म से। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो ये आ जाएगा y 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, या आपका आ जाएगा 2yx प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 3। हमको क्या करना है, माइनस 3 को इधर ले आओ, या हमको x के एक तरफ कर लेना टर्म, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा 2yx माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस y। यहाँ तक तो ठीक है ना। ऐसा कर लो, यहाँ से x कॉमन ले लो, ये y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 अपनी जगह था, x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस y। हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो वो आ जाएगा माइनस 3 माइनस y अपॉन 2y माइनस 1। ठीक, हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर है डिनोमिनेटर, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी 2y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, या 2y डज नॉट इक्वल टू 1। ये माइनस 1 उधर जाएगा, जीरो से ऐड हो जाएगा, यानी y डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। यानी y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 अपॉन 2। सारी वैल्यू रख दो, केवल क्या छोड़ दो, सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन क्या छोड़ दो, 1 अपॉन 2। यानी आप सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन किसको छोड़ के, 1 अपॉन 2। अभी समझ में आ गया कुछ इस तरीके से। तो r माइनस 1 अपॉन 2, तो इस तरीके से बेटा ये रेंज निकल के आएगी। थैंक्स अ लॉट।